सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आपके पास भी एक एयरटेल का सिम कार्ड है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पिन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने एयरटेल की नेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वो भी आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले आपके सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो जो भी आपका एपिन सेट होगा उसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। आपको सिंपल प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है न्यू एपिन को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ से आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि मैं जो भी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ आपको जो है सेम टू सेम फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है एयरटेल। दोस्तों, आपको यहाँ पर एयरटेल लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लोकल, एंड यहाँ पर आपको ISP लिख लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे जो है लोकल का L कैपिटल है एंड ISP तीनों कैपिटल में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको APN में लिख लेना है एयरटेल इंटरनेट। आपको यहाँ पर एयरटेल इंटरनेट लिखना है। प्रॉक्सी को आपको नोट सेट छोड़ देना है, पोर्ट को भी नोट सेट। यूजर नेम में दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है ऑटोनोमस। यहाँ पे आपको सेम टू सेम टाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा ही टाइप करना है। तो ऑटोनोमस यहाँ पे MOUS आपको लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको एयरटेल एंड यहाँ पे आपको 4G लिख लेना है। दोस्तों, यहाँ पे 4G का जो जी स्मॉल होना चाहिए। पासवर्ड में आपको नॉट सेट। सर्वर में आपको टाइप कर देना है www.google.com। दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आएंगे MMSC को नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। दोस्तों, NCC एंड MNC आपके में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है PAP और CHAP। APN टाइप में आपको यहाँ पे लिख लेना है डिफॉल्ट। देन कॉमा लगा के आपको लिखना है XCAP। कॉमा लगा के आपको लिखना है SUPL। एंड यहाँ पे आपको नेट, ये जो चार APN टाइप आपको दिख रहे हैं, चार APN टाइप को दोस्तों लिख लेना है। उसके बाद से APN प्रोटोकॉल को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बियर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे अनटिक करके आपके फ़ोन में जितने भी बियर दिए होंगे उनमें से मैं जो जो बताने वाला हूँ वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको LTE को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ से आपको GPRS को सिलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको IS95B, IS95A। और दोस्तों, बाई चांस अगर आपके फ़ोन में ये सब बियर नहीं दिखा रहा है तो वहाँ पर आपको जो है LTE को सिलेक्ट करना है एंड आपको GPRS को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको MVNO टाइप को जो है नॉन पे रहने देना है। देन यहाँ से आपको इस APN को सेव कर लेना है। देखेंगे आप APN कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो APN को एक्टिवेट करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, हम देखेंगे हमारा जो है APN एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ fast.com। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी करंट स्पीड आ रही है वो आ रही है 34 Mbps। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको भी जो काफ़ी अच्छी स्पीड आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर बाई चांस आपके फ़ोन में स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मुझे आपके फ़ोन का मॉडल नंबर एंड आपके फ़ोन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।